हेलो डियर स्टूडेंट्स इन कंटिन्यूएशन ऑफ एनअस्ती वीडियो सॉल्यूशन सीरीज इन टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस लेवल वन क्वेश्चन थर्टी वन टू फोर्टी लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन थर्टी वन थर्टी वन में हमें क्या बोल रहा है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड्स इन सेकेंड ऑरबाइट ऑफ हाइड्रोजन एटम टू थर्ड ऑरबाइट ऑफ हिलियम प्लस आयन तो हमारे पास सबसे पहले ये देखेंगे कि टाइम पीरियड क्या होता है तो टाइम पीरियड जो होता है वो हमारे पास टू पाई आर अपॉन वी यानी सरकमफ्रेंस अपॉन वेलोसिटी हो जाएगा तो इसके बेसिस पे आप देखें तो रेडियस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एन स्क्वायर अपॉन जेड के और वेलोसिटी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जेड बाई एन की तो टाइम पीरियड जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसका यदि अपन वैल्यू निकालें तो ये वैल्यू हो जाएगी कुछ इस तरह से यानी टाइम पीरियड हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर की ठीक है तो यदि अपने को टी वन अपॉन टी टू कैलकुलेट करना है जहाँ पर T1 वन क्या है फॉर सेकेंड और बाइट यानी n इक्वल टू हमारे पास टू हो जाएगा और z की वैल्यू हमारे पास वन हो जाएगी T2 के केस में हमारे पास n की वैल्यू थ्री है और z की वैल्यू क्या होगी? हिलियम आयन है तो z की वैल्यू टू हो जाएगी तो हमारे पास T1 वन अपॉन टी का अपन थ्री निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एन वन का होल क्यूब जेड वन स्क्वायर ठीक है टी टू में यानी एन टू का होल क्यूब और यहाँ पर जेड टू का स्क्वायर अब अपन यहाँ पर रेशियो निकालते हैं तो क्या होगा एन वन हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है ये ये एन टू यहाँ पर जेड टू तो एन वन हमारे पास टू का होल क्यूब जेड टू हमारे पास कितना है टू का स्क्वायर तो हमारे पास जेड वन वन का स्क्वायर एन टू का होल क्यूब यानी थ्री का होल क्यूब तो यहाँ पर यह हो जाएगा एट इंटू फोर और यहाँ पर ट्वेंटी सेवन तो ये थर्टी टू बाई ट्वेंटी सेवन टी वन अपॉन टी टू हमारे पास हो जाएगा थर्टी टू बाई ट्वेंटी सेवन तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट है थर्टी टू द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज एम चार्ज इज़ ई इट इज़ एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी वोल्ट्स द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाई इलेक्ट्रॉन विल बी तो हमारे पास जब भी आप किसी भी एक इलेक्ट्रॉन जिसका चार्ज हमारे पास क्या दिया हुआ है स्मॉल ई दिया हुआ है और मास हमारे पास एम है वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है जिससे ये एक्सेलरेटेड किया जा रहा है वो है वी तो इसमें हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो हो जाएगा चार्ज इनटू पोटेंशियल चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस तो यहाँ पर चार्ज जो है वो है ई पोटेंशियल वी है काइनेटिक एनर्जी हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा अब अपने को वेलोसिटी ही पता करनी है तो वेलोसिटी यानी वी स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा टू ई वी बाई एम तो वेलोसिटी हमारे पास होगी रूट टू ई यहाँ पर ये यह वोल्टेज है और स्मॉल एम तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट है थर्टी थ्री इफ़ द आयोनाइेशन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस इज नाइनटीन पॉइंट सिक्स इंटू टू माइनस एटीन जूल पर एटम देन द एनर्जी ऑफ बेरेम थ्री प्लस आयन इन द सेकेंडरी स्टेट इज तो हमारे पास एनर्जी पूछी गई है और आयोनाइजेशन एनर्जी गिवन है तो सबसे पहले अपन देखें कि अपने पास हाइड्रोजन हीलियम, लिथियम बेरेलीम इस तरह से इसमें हीम प्लस जो है वो लेक्ट्रॉनिक ही है बट इसके कंपैरिजन में अपन देखना चाहें कि आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या रिलेशन हो सकता है तो हमारे पास जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो क्या होता है ये होता है प्लस थर्टीन पॉइंट सिक्स जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम ठीक है तो ये वैल्यू जो डिपेंड कर रही है वो जेड स्क्वायर और एन स्क्वायर डिपेंड कर रही है तो इसी पे अपन हीलियम के लिए देखें तो यहां पर यदि एन की वैल्यू आपने वन रख दी जेड की वैल्यू भी वन रख दी यानी फोर हाइड्रोजन एटम रेस्पेक्ट में आप बात कर रहे हैं तो यहां पर आयनाइजेशन एनर्जी जो हो जाएगी वो प्लस थर्टीन पॉइंट सिक्स होगी बट यदि आप हीलियम प्लस के लिए देखेंगे तो जेड और एन की वैल्यू वेरिएबल हो जाएगी तो यदि अपन को हीलियम के केस में आयोनाइजेशन एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन लिखना हो तो कैसा लिख सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस जो हो जाएगी वो किसकी रेस्पेक्ट में हो जाएगी आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इन इट्स ग्राउंड स्टेट मल्टीप्लाइड बाई जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ठीक है जिसमें एन की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी यहां पर एन की वैल्यू हमारे पास यहां पर वन होने की वजह से एन स्क्वायर वन हो जाएगा तो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हिलियम प्लस ऑलरेडी गिवन है जो कि है नाइनटीन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दावर माइनस एटीन जूल पर एटम तो अपन आयोनाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन निकाल सकते हैं जो कि ग्राउंड स्टेट में एक रेफरेंस हो जाएगा अपने पास तो आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 19.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू द पावर माइनस एटीन अपॉन जेड स्क्वायर अब जेड स्क्वायर में अटोमिक नंबर जेड हिलियम का कितना है टू तो यहाँ पर ये यह वैल्यू हो जाएगी फोर ठीक है अब इसके बेसिस पे अपन क्या कर सकते हैं एनर्जी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं जब आप एनर्जी एक्सप्रेशन लिखेंगे एनर्जी हमारे पास क्या होगी ये ई एन माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर होता है ठीक है माइनस का साइन आता है आयोनाइजेशन एनर्जी में माइनस का साइन क्यों हट जाता है क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो इनफाइनाइट माइनस ई एन होती है यानी जीरो माइनस करने पे यहां पर ये माइनस साइन रिमूव हो जाता है ठीक है तो अपने को सेकेंडरी स्टेशनरी स्टेट बेरेलीम एटम के लिए एनर्जी निकालनी है तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये जो 13.6 है ये रेफरेंस किसका है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन या एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन के बराबर ही हो जाएगा तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि एनर्जी फोर बेरेलीम थ्री प्लस इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा क्या आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाई जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर और यहाँ पर बाहर माइनस साइन आ जाएगा ठीक अब इसकी वैल्यूज आप पुट कर दीजिए सिंपल माइनस नाइनटीन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दावर माइनस एटीन बाई फोर यह रेफरेंस हो गया इन टू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जेड की वैल्यू फोर बेरेलियम हमारे पास क्या होगी फोर फोर बेरेलियम और हमारे पास सेकेंडरी स्टेट यानी एन की वैल्यू हो जाएगी टू तो ये हो जाएगा फोर का स्क्वायर अपॉन टू का स्क्वायर जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस पावर माइनस एटीन जूल पर एटम तो हमारा कौन सा ऑप्शन इससे मैच कर रहा है यहां पर नाइनटीन पॉइंट सिक्स किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है थर्टी फोर द एनर्जी ऑफ द सेकेंड बोर ऑर्बाइट इन द हाइड्रोजन एटम इज थ्री पॉइंट फोर वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट द एनर्जी ऑफ द सेकेंड बोर ऑर्बाइट ऑफ हीलियम प्लस आयन वुड बी तो हमारे पास जो एनर्जी एक्सप्रेशन होता है ठीक है एनर्जी हमारे पास होती है माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स जेड स्क्वायर अपोन एन स्क्वायर दैट मीन्स जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड स्क्वायर अपोन एन स्क्वायर की अब यहाँ पर हमारे पास जो वेरिएशन हो रहा है वो किसका हो रहा है केवल हाइड्रोजन एटम और हीलियम प्लस एटम का और एन की वैल्यू जो है दोनों में ही सेकेंड बोर और बाइट है तो एन की वैल्यू तो टू है दोनों में ही सेम होगी तो अपन देख लेते हैं एनर्जी तो यहाँ पर एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन अपॉन एनर्जी ऑफ हीलियम जो हो जाएगी वो जेड वन अपॉन जेड टू के रेशो के बराबर हो जाएगी अब एटॉमिक नंबर अपन देखें यहाँ पर जेड का वन था जेड टू हीलियम के लिए टू है इसका रेशियो देखेंगे तो ये हो जाएगा वन बाई फोर तो हमारे पास एनर्जी ऑफ हीलियम की सेकेंड बोर ऑर्बिट की जो होगी वो एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन सेकेंड और बाइट के फोर टाइम्स हो जाएगी अब आप अपने को यहाँ पर थ्री पॉइंट फोर वन दी हुई है एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन तो तो हमारे पास फोर मल्टीप्लाइड बाई थ्री पॉइंट फोर वन तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कैलकुलेट करने पे थर्टीन पॉइंट सिक्स फोर इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है थर्टी फाइव द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन एनथ बोर और बाइट ऑफ एन एलिमेंट इज गिवन बाई दिस एक्सप्रेशन द ग्राफ ऑफ एनर्जी वर्सेस जेड स्क्वायर कीपिंग एन कांस्टेंट तो एन यदि कांस्टेंट है तो एनर्जी जो होगी वो इस तरह से रिलेशन में होगी तो so, यहाँ पर इस माइनस साइन की वजह से यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन तो है बट जेड स्क्वायर की वैल्यू यदि आप वन रखते हैं तो ई एन की वैल्यू क्या होगी माइनस वन होगी यानी यहाँ पर यदि ये, ये वैल्यू वन है तो ये वैल्यू क्या होगी माइनस वन ये टू है तो ये माइनस टू तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रहा है बट नेगेटिव साइन में चल रहा है तो इस वजह से हमारे पास जो ग्राफ होगा वो जेड स्क्वायर पॉजिटिव में जाएगा और एनर्जी नेगेटिव में जाएगी और यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले ही ग्राफ आएगा स्ट्रीट चेन तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है थर्टी सिक्स परमिजिबल वैल्यू ऑफ और एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन लाइक एटम विल बी तो परमिजिबल वैल्यू जो होती है और बाय एंगुलर मोमेंटम की वो होती है एन एच अपॉन टू पाई ठीक जिसमें एन की वैल्यू हमारे पास इंटीजर हो सकती है वन टू थ्री तो इस तरह से पुट कर, -कर करके रखेंगे तो एन की वैल्यू यदि थ्री होती है तो हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो हो जाएगा थ्री एच अपॉन टू पाई जिसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी अपने पास वन पॉइंट फाइव एच अपॉन पाई जो कि ऑप्शन ए से मैच कर रहा है ठीक नेक्स्ट है थर्टी सेवन विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर कंसिस्टेंट विद द बोर थ्योरी ऑफ द एटम एंड नो अदर्स तो यहाँ पर हमारे पास देखिए एन इलेक्ट्रॉन कैन रिमेन इन ए पर्टिकुलर ऑर्बाइट एज लॉन्ग एज इट कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ ए डेफिनेट फ्रिक्वेंसी ये बोर स्टेटमेंट का दिया हुआ नहीं है तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा द लोएस्ट एनर्जी ऑर्बाइट आर दोज क्लोजेस्ट टू न्यूक्लियस तो ये सही बात है कि हमारे पास न्यूक्लियस से जैसे जैसे आप नंबर ऑफ शेल बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ पर एनर्जी बढ़ती जाएगी तो ये स्टेटमेंट बोर्स मॉडल से मैच कर रहा है तो ये करेक्ट मैच हो रहा है नेक्स्ट है ऑल इलेक्ट्रॉन्स कैन जंप फ्रॉम के सेल टू एम सेल बाई इमिटिंग रेडिएशन ऑफ ए डेफिनेट अब के जो होता है वो इन सबसे पहला होता है के एल एम के सेल से एम सेल में जाने के लिए एनर्जी इमिट नहीं रिक्वायर्ड होगी तो ये स्टेटमेंट भी गलत है तो हमारे पास बोर थ्योरी ऑफ एटम को सुटेबल स्टेटमेंट जो जस्टिफाई कर रहा है वो केवल सेकेंड स्टेटमेंट है तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है थर्टी एट द आयोनाइजेशन पोटेंशियल फॉर द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज थर्टीन पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम वट वुड बी द आयोनाइजेशन पोटेंशियल फॉर द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम टू प्लस फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज मतलब एन इजल टू टू और लिथियम हाइड्रोजन हीलियम लिथियम यानी जेड की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी जेड की वैल्यू हमारे पास थ्री हो जाएगी तो अपने को आयोनाइजेशन पोटेंशियल निकालना है यदि स्टेट एन वन से एन टू में जा रहा हो तो बिकॉज आयोनाइजेशन में आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा कि हमारे पास जो भी स्टेट दी गई है उससे इनफाइनाइट स्टेट में जाने पर कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा वही पोटेंशियल की वैल्यू होगी अपने पास मैग्नीट्यूड वाइज तो हमारे पास जो चेंज इन एनर्जी होता है वो एक्सप्रेशन यदि लिखें अपन तो क्या होगा डेल्टा ई इजक्वल टू थर्टीन पॉइंट सिक्स जेड स्क्वायर अपोन वन अपोन एन वन स्क्वायर वन अपोन एन टू स्क्वायर ये होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो पर एटम ठीक है तो यहाँ पर हमारे पास एन की एन वन की वैल्यू क्या हो जाएगी टू एन टू की वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट और जेड की वैल्यू फोर लिथियम हमारे पास थ्री हो जाएगी इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा थर्टीन पॉइंट सिक्स इन थ्री का स्क्वायर अपॉन वन अपॉन टू का स्क्वायर वन अपॉन इनफाइनाइट तो ये वैल्यू कैलकुलेट करने पे आएगी हमारे पास थर्टी पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है ये ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट है थर्टी नाइन वाट इज द एनर्जी कंटेंट पर फोटोन इन जूल फोर लाइट ऑफ फ्रिक्वेंसी फोर पॉइंट टू इंटू टेन टू द पावर फोर्टीन तो हमारे पास एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू एच न्यू न्यू हमारे पास फ्रिक्वेंसी है और एच प्लान कॉन्स्टेंट एच की वैल्यू होती है सिक्स पॉइंट सिक्स टू इंटू टेन टू द पावर माइनस थर्टी फोर और फ्रिक्वेंसी हमारे पास होगी फोर पॉइंट टू इंटू टेन टू द पावर फोर्टीन इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी टू पॉइंट एट इंटू टेन टू द पावर माइनस नाइनटीन जूल जो कि ऑप्शन अपने पास सी से मैच कर रही है तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा नेक्स्ट है फोर्टी वेवलेंथ फॉर हाई एनर्जी ई एम आर ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम इज नाइन्टी वन नैनोमीटर की एक रेडिएशन है उस रेडिएशन की वेवलेंथ अपने को दी हुई है ठीक है वेवलेंथ दी हुई है फिर अपने को पूछा गया व्हाट एनर्जी इज नीडेड फॉर दिस ट्रांजिशन तो अपने पास एनर्जी और वेवलेंथ के बीच में यदि अपन देखें रिलेशन जो होता है वो होता है एनर्जी अपने पास हो जाती है वन टू फोर जीरो डिवाइडेड बाई लेमडा वेवलेंथ इन नैनोमीटर तो यहां पर अपने पास क्या दिया हुआ है वन टू फोर जीरो दी हुई नैनोमीटर में नाइन्टी वन तो इसका कैलकुलेट करने पे वैल्यू आ जाएगी थर्टीन पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो कि अपने को ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा